शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अब घटेगी असली दुर्घटना। तू दूर करेगा मेरी श्रद्धा को मुझसे? तू दूर करेगा? What? 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 दुर्घटना तो कब की घट गई, तेरी श्रद्धा तो गई। पता है कैसे? अंदर जहरीली गैस वाली हवा में सांस लेके तेरी श्रद्धा तो कब की। नहीं अबे, अबे तुम वहां मत जाओ। हाँ अभय, इसने अंदर जहरीली गैस भर दी है, कुछ भी हो सकता है। मैंने मदद के लिए बुलाया है, पर तू अभी अंदर मत जा मेरे भाई। श्रद्धा होश में आओ। श्रद्धा देखो मैं आ गया हूँ। श्रद्धा 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 उसमें आओ। श्रद्धा श्रद्धा देखो मैं आ गया हूँ, बस कुछ देर और। श्रद्धा ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इसमें इनके घर का ही कोई है जो चाहता था ये सब हो। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी इसमें शामिल है।
वो है वो। तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा? हाँ? फेफड़ों में तो जहर भर ही दिया है, अब क्या हमारे दिल में भी जहर भरना चाहते हो? आरती को फंसा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे इसको तो ना जेल में नहीं जहर में डालना चाहिए। ले जाइए इसे यहाँ से। ले जाइए इसे। श्रद्धा होश में हो? श्रद्धा, श्रद्धा बस पहुंचने ही वाला। श्रद्धा, 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 श्रद्धा 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 बस पहुंच गए। श्रद्धा, श्रद्धा, वरुण, पापा, अभय, श्रद्धा, श्रद्धा होश में आओ। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा बेटा। वरुण, इसको क्या हुआ? आराम से, आराम से, आराम से। आराम से संभाल के। श्रद्धा, श्रद्धा आके खोलो। श्रद्धा, श्रद्धा उठो। अरे कोई पानी दो, जाओ पानी लेके आती। श्रद्धा आके खोल। श्रद्धा पानी। श्रद्धा आगे खोलो। श्रद्धा, श्रद्धा उठो। श्रद्धा, अबे नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा आगे खोलो। श्रद्धा जी, अरे अबे, अबे, अबे बुआ जी, संभाले संभाले। अबे को क्या हो गया? अरे 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 उठो। अबे श्रद्धा, श्रद्धा पानी पानी लो। भाभी, भाभी अबे आके खोलो। अबे उठ। श्रद्धा, अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। श्रद्धा उठो। श्रद्धा, श्रद्धा, अबे श्रद्धा आराम से, अबे आराम से, तुम ठीक? श्रद्धा, श्रद्धा, अभय, अभय उठी। अभय, अभय अपनी आंखें खोली, मेरी तरफ देखी। अभय, अभय बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अभय, अभय मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। आप तो वो इंसान है जो कभी हिम्मत नहीं हारते।
सच्चाई के लिए लड़ जाते हैं आप। आंखें खोलिए ना, मैं प्लीज मेरी तरफ देखिए। मुझे आपको बताना है कि आपकी जिद, आपकी शिद्दत जीत गई है। मैं आपसे दूर कभी नहीं जा सकती हूँ अब, और आपको भी हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मैं बोलिए ना अबे, अबे आप रहेंगे ना मेरे साथ? बोलिए ना अबे, 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 उठ। कभी नहीं जाऊंगी। अरे सबसे जरूरी चीज तो हम भूल ही गए। आरती जल्दी से जाओ और कुमकुम ले आओ। जी। हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, प्लीज एक बार और बोल रहा हूँ, मेरे साथ घर चलो। सात दिन तुम्हारे आज खत्म हो गए इस घर में, और हमारा ये जो ये रिश्ता था ना, वो भी खत्म। पाओगी मुझे हर उस तकलीफ के बाद जो मैंने तुम्हें दी? भूल नहीं पाऊंगी कभी भी, हर वो तकलीफ जो आपने मेरे लिए सही है, हर वो लड़ाई जो आपने मेरे लिए लड़ी, मौत तक से लड़ गए आप। किस्मत के लकीरों से, किस्मत के लकीरों से, किस्मत के लकीरों से, किस्मत के लकीरों से। अरे भाग्यशाली तो हम हैं जो हमें दोबारा मौका मिला है अपने घर की लक्ष्मी की कदर करने की और स्वागत करने की। हाँ आज मैं बहुत 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 खुश हूँ कि भैया आखिरकार भाभी को घर वापस लेकर आ गए। ये ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, घर की बहू वापस आ गई जी। घर की इस बुआ की वजह से हम बहुत 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 खुश हैं श्रद्धा। मैं तो बस इतना कहूंगा कि तुम दोनों की जोड़ी जबरदस्त लग रही, और भाई
आज के बाद अपना जलवा मत दिखाना, क्योंकि गलती की एक बार माफी मिलती है, बार बार नहीं। और अगर तुमने दोबारा गलती की ना, तो देखो इस बुआ का प्रकोप। हाँ हाँ भाभी, हमें पता है आप ना हमें आंखें दिखा रही है, लेकिन दोबारा अगर अभय ने कुछ भी किया ना, तो हम तो बुआ और मम्मी दोनों मिल के इसकी पिटाई करेंगे। पापा भी और ताऊजी भी। इसका मतलब अगर अब तूने गलती की ना, तो पूरा त्रिपाठी खानदान तुझ पे टूट पड़ेगा। बिल्कुल सही। हमें ना बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए और हमें बहुत भूख भी लग गई है, हम जाते हैं। चलो भाई, सब लोग बहुत थके हुए हैं, चल के आराम कर लेते हैं। अरे तुम दोनों भी थक गए होगे, चलो अंदर आराम करो, चलो आज। थकान हो गई होगी तुम्हें, लग रहा होगा ना जैसे एक्शन मूवी के सेट पे पहुंच गई। क्या हुआ? एक काम करो, तुम आराम कर लो। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मेरे कपड़े तो एक मिनट। लो ये पहन लो। अरे नहीं, हमें ये मैं कैसे पहन सकती हूँ, ये तो कितना ढीला है। तो तुम्हें सोना ही तो है, कहीं बाहर थोड़ी ना जा रही हो। तुम आराम से चेंज कर लो, मैं बाहर जाके चेंज कर लेता हूँ। क्या देख रही हो? तुम बोरा भी पहन लोगी ना, तो भी अच्छी ही लगोगी। चेंज कर लो। श्रद्धा श्रद्धा हो गया है कि हमारा दिमाग तो खराब हो गया, तो तुम्हारे दिमाग का पता नहीं क्या ही हाल होगा, हम भगवान जाने। कीर्ति, मुझे श्रद्धा से कुछ जरूरी बात करनी थी। कहाँ है वो? ऊपर। अब क्यों? वो दीदू ना थक गई है और तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी। हाँ, वो आराम कर रही है। आप हमें बता दो क्या बात है, हम उन तक पहुँचा देंगे। आप लोग भी सोच रहे होगे ना कि मैं इसे भागते हुए कहाँ जा रही हूँ, पर मैं क्या करती? खबर ही कुछ ऐसी है कि पूरा कानपुर हिल जाए, मुझे रहा ही नहीं कि आप। वैसे आप सही कह रहे हो, कुछ बात ही ऐसी होगी कि आप ऐसे भागते हुए आए हो। क्या बात है? आप खुद ही देख लीजिए और बताइए कि खबर सच में इतनी बड़ी है या नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब तुम्हें मॉडलिंग करनी थी तो कैसे सारा परिवार तुम्हारे खिलाफ हो गया था, और अब जब श्रद्धा को मॉडलिंग करनी है तो देखो सब कैसे उसके आगे पीछे उसे हाँ करवाने में लगे। हम दीदू को जानते हैं, दीदू ना इसके लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। अरे कैसे नहीं बोलेगी हाँ, वैसे भी हमारी बहू घबरा के पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारी तरफ से तो बहुत बड़ी हाँ है। तो बोलो बेटा, हाँ या ना।